साल 2021 की समाप्ति की अंतिम रात में हसवा थाना की पुलिस को दो अलग अलग घटनाओं में एक मुलजिम को तमंचा और कारतूस समेत तथा दूसरे मुलजिम को 60 लीटर नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार कर चालान भेजा गया। पहली घटना के संबंध में दारोगा सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर अनिल सरोज दीवान, विजय बहादुर यादव सिपाही, शोएब अख्तर सिपाहियों के साथ लेकर के घारा नदी के माझा में छापामारी की गई तथा 60 लीटर शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद कर नरसिंह चौहान पुत्र फिरतु चौहान निवासी ग्राम मिश्रौलिया गोहिला को गिरफ्तार करके मुकदमा नंबर 1/22 एक्साइज एक्ट के तहत चालान भेज दिया गया। दूसरी घटना के मुतालिक दरोगा चंद्रभान सिंह ने बताया कि हमरा सिपाही जौहर अली मुलायम सिंह यादव अभिषेक तिवारी रात में गश्त कर रहे थे मौजा अकबालपुर दौलतपुर चक्रोड पर संदिग्ध एक व्यक्ति नजर आया उसको पकड़ा गया उसके पास से तलाशी के दौरान 112 बोर का तमंचा दो अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए। उसकी शनाख्त फजीलाजीत यादव पुत्र मुंशी राम यादव निवासी ग्राम मौजा उसका फाजिलपुर रूप में हुई। उसको मुकदमा नंबर 2/22 आर्म एक्ट के तहत चालान भेज दिया गया। प्रस्तुत है बीपी न्यूज़ बरंसारी हथवर की वीडियो रिपोर्ट।